हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं हमारी सेकंड ईयर की पैथोलॉजी ओके okay? तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मतलब कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेल्युलर एडेप्टन एंड सेल इंजरी के टॉपिक के बारे में ओके okay? तो देखिए जो ये टॉपिक है ना उसमें मेन पॉइंट क्या है सबसे पहले हमें तो समझना होगा एडेप्टन क्या है उसके बाद हम देखेंगे सेल डेथ मतलब कि सेल इंजरी होने के बाद क्या होता है सेल डेथ और उसके बाद होता है इंट्रा सेलुलर ओके तो इन तीन टॉपिक में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर समझने वाले हैं तो सबसे पहले देखिए कि सेल इंजरी क्या होता है सेल इंजरी का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी बॉडी के कोई सेल में ऐसा स्टिम्यूलस मिलता है मतलब कि सेल को ऐसा स्टिम्यूलस मिलता है जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है उसके फंक्शन में कोई चेंज आ जाता आ जाता है या फिर उसका डिजनरेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सेल इंजरी मतलब कि सेल इंजरी के दरमियान इन चार चीज़ों में चेंज आता है ओके तब देखते हैं हम सेल इंजरी के बारे में ओके तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोजिज़ ऑफ सेल इंजरी मतलब कि सेल इंजरी के कोजिज़ कौन कौन से हैं तो उसमें हमने देखने हैं ये सात पॉइंट ओके मीन्स के सेवन पॉइंट में हम सेल इंजरी के जो 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 भी कोज है उसको समझने वाले हैं तो सबसे पहले देखिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कोज है हमारा हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया का मतलब को आपको पता ही होगा ना हाइपोक्सिया मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई हाइपोक्सिया इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी देखिए यह सबसे इंपॉर्टेंट एम सी क्यू में आ सकता है ओके मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी इज हाइपोक्सिया और यहां से हाइपोक्सिया में से और भी क्वेश्चन उठ सकते हैं कौन कौन से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया मतलब की हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है इस्टेमिया ओके okay? मतलब कि स्टेमिया का मतलब क्या हुआ डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई ओके तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर ब्लड सप्लाई कम हुई तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो बॉडी के जो सेल्स है वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो गई क्योंकि हमारा जो ब्लड है वही तो ऑक्सीजन का सप्लाई करता है ना इसीलिए इस्टेमिया इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया इन हाइपोक्सिया इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट सेंसिटिव सेल टू दाइपोक्सिया इज न्यूरोन मतलब कि हाइपोक्सिया में सबसे सेंसिटिव सेल कौन सा है Neurons है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरिया किसे है न्यूरोस को है ओके एंड लिस्ट सेंसिटिव सेल्स टू द इज फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट और या फिर आप कह सकते हैं स्केलेटल मसल अगर एम सी क्यू में दोनों ही दिए गए हैं तो आपको प्रिफर करना होगा फाइब्रोब्लास्ट ओके ये हो गया फर्स्ट कॉज सेकंड वन इज द फिजिकल एजेंट ओके अब देखते हैं कि जो सेल इंजरी है कुछ ऐसे एजेंट भी हैं जो सेल इंजरी होने के लिए जवाबदार है ओके okay? तो कौन कौन से पहला है हमारा फिजिकल एजेंट ओके तो कौन कौन सा फिजिकल एजेंट लाइक हीट कोल्ड रेडिएशन अल्सो कोज सेल इंजरी थर्ड वन इज द केमिकल एजेंट सम केमिकल एजेंट्स लाइक ड्रग एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड अल्सो कोज सेल इंजरी

उसका मतलब क्या हुआ कि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई तो इट लीड्स टू पी एंड अगर न्यूट्रिशनल एक्सेस हुआ मतलब कि न्यूट्रिशन एक्सेस मात्रा में हमारी बॉडी में डिपॉजिट हुआ तो वो इट लीड्स टू ओबेसिटी ओके तो दिस इज द ऑल अबाउट कॉजिस ऑफ सेल इंजरी तो अब पढ़ते हम सेल इंजरी होती कैसे है ओके देखिए इतने से ही मैं ही पढ़ लेंगे सेल इंजरी का मेन मतलब क्या होता है मतलब कि सेल इंजरी होने के बाद हमारे जो बॉडी है उसके सेल्स में क्या क्या होता है तो सबसे सब पहले देखिए हमारी बॉडी को इंजरियस स्टिम्यूलस मिला ओके तो फिर क्या करता है हमारी बॉडी का सेल्स जो बॉडी का सेल्स है उस स्टिम्यूलस को एडेप्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी वजह से क्या होता है सेल्युलर एडेप्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और इसमें हम क्या क्या देखेंगे हाइपरट्रॉफी देखेंगे हाइपरप्लेजिया देखेंगे मेटाप्लेजिया देखेंगे और एट्रॉफी देखेंगे ओके सेल्युलर एडेप्टेशन इज डन बाय हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया और एट्रॉफी अगर स्टिम्युलस है वो एडेप्टेशन की जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा हुआ ना तो क्या होता है तब होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब क्या हुआ कि ऐसी सेल इंजरी के जब भी इंजरियस स्टिम्यूलस स्टॉप होगा मतलब कि इंजरियस स्टिम्यूलिस मिलना स्टॉप हो जाएगा तो हमारा जो सेल है वो नॉर्मल पोजिशन में आ सकता है लेकिन उसकी जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा स्टिम्युलस मिला हमारी बॉडी को तब क्या होगा तब होगा ई रिवर्सिबल सेल इंजरी ओके और ई रिवर्सिबल सेल इंजरी के जब स्टेट में हमारा सेल घुसता है उसके बाद वो नॉर्मल स्टेज में कभी आ नहीं सकता ओके okay, और इ रिवर्सिबल सेल इंजरी लीड्स टू सेल डेथ दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो सेल डेथ है उसके हम फाइव टाइप्स पढ़ेंगे ओके okay, कौन कौन से नेक्रोसिस एपोप्टोसिस नेक्रोप्टोसिस पायरोप्टोसिस एंड फेरोप्टोसिस और इ रिवर्सिबल सेल इंजरी होने के बाद सेल में क्या होता है इंट्रा सेल्यूलर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में होता है हमारा पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन ओके तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ सेल इंजरी मतलब कि प्रोसेस ऑफ सेल इंजरी ओके अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टन मीन्स के सेल्युलर एडेप्टन के बारे में उसमें हम पढ़ेंगे हाइपरट्रोफी ट्रॉफी हाइपरप्लेजिया मेटाप्लेजियन एट्रोफी को हम बहुत ही अच्छे से और शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं तब तक के लिए थैंक यू एवरी वन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग